वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो कि आपको बता रहे हैं कि आपकी मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग जवाब दे रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इस टूल के बारे में आपको बता देता हूं। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक ड्रिल मशीन है और ये हैमर वाली ड्रिल मशीन है जिसमें हैमरिंग वाला भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें अगर जैसे आप कहीं बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस पे जो है ड्रिल करना है आपको, तो हैमर भी आप इसको ऑन कर सकते हैं, तो वहां पे इजिली ड्रिल हो जाएगा। तो ड्रिलिंग में काफी अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा। 500 वॉट की इसकी पावर है, मैक्स पावर ये इतनी प्रोड्यूस करती है। और साथ ही जो इसका आरपीएम है वो 2800 तक का जा सकता है। तो अगर आपको इसको खरीदना हो तो नीचे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्ड स्किल की वेबसाइट पर जाके आप इसको खरीद सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग खराब हो गया है। अब स्पार्क प्लग मोटरसाइकिल में एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी राइड क्वालिटी को, मोटरसाइकिल की राइड क्वालिटी को फर्श से अर्श पर ले जा सकती है या अर्श से फर्श पर ला सकती है। तो ये चीज जो स्पार्क प्लग है वो दिखने में काफी छोटी चीज होती है और काफी एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आप इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो छोटी मोटरसाइकिल जैसे हमारी कम्यूटर मोटरसाइकिल है, इसमें स्पार्क प्लग जो है 150 रुपए के अंदर भी आ जाता है, 200 रुपए के अंदर भी आ जाता है। और अगर आप अच्छे इरिडियम स्पार्क प्लग और जाते हैं तो उस पर कॉस्ट बढ़ जाती है। और हाँ, अगर आप कहीं स्पार्क प्लग चेंज भी करते हैं और अगर आप स्पार्क प्लग लेने जाते हैं तो इसमें यह चीज है कि स्पार्क प्लग पर एक कोड रहता है, तो वो कोड ध्यान रखें, वरना आप अलग साइज का स्पार्क प्लग इंजन में फिट कर देंगे। और कभी कभी फिट ना करने की वजह से या गलत फिट होने की वजह से जो उसकी थ्रेड्स हैं ब्लॉक की वो खराब हो जाती हैं और उसकी वजह से पूरा इंजन जो है आपको खोलना पड़ जाता है। तो इस वजह से यह चीज ध्यान रखें। और अगर आपको उसका मॉडल नंबर स्पार्क प्लग का नहीं मिल रहा है तो यूजर मैनुअल में रेफर कर लें। यूजर मैनुअल आपके पास नहीं है तो पुराना स्पार्क प्लग लेके जाएं निकाल के, और उसके बाद सेम साइज का आप स्पार्क प्लग ले आए। तो ऐसे करके आप स्पार्क प्लग चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले स्पार्क प्लग का काम क्या रहता है, हम ये बात कर लेते हैं। स्पार्क प्लग जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है हमको कि ये एक ऐसा प्लग है जो कि स्पार्क प्रोड्यूस करता है। अब इंजन में स्पार्क की क्या जरूरत है, देखिए हम सबको पता है ये इंटरनल कंबशन इंजन है, आईसी इंजन जिनको बोलते हैं। तो इंटरनल कंबशन में अंदर कंबशन करने के लिए पेट्रोल जाता है और पेट्रोल जलता है, लेकिन पेट्रोल को जलाने के लिए जो चीज चिंगारी देती है वो होती है स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग यहां पर आपको पेट्रोल को कंबशन में हेल्प करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे अगर स्पार्क प्लग खराब हो जाता है तो यार पेट्रोल कम जलेगा, गाड़ी ज्यादा एवरेज देने लगेगी, लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा हम लॉजिक के साथ और डिटेल में बात करेंगे तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आप यही सोच रहे होंगे कि मैं आपका यही वाला मिथ क्लियर कर दूं कि भाई अगर स्पार्क प्लग खराब हो जाता है तो पेट्रोल कम जलेगा, चिंगारी कम प्रोड्यूस होगी और एवरेज अच्छा देने लगेगी गाड़ी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपकी मोटरसाइकिल का पूरा स्पार्क प्लग भी डाउन हो जाता है, पूरा शॉर्ट हो जाता है, स्पार्क प्लग काम ही नहीं कर रहा, बिल्कुल बंद हो जाता है, ऐसा वैसे बहुत रेयर केसेस में होता है जब बहुत ही ज्यादा पुराना हो गया हो स्पार्क प्लग या कॉइल में कोई प्रॉब्लम हो या फिर स्पार्क प्लग पे बहुत ज्यादा कार्बन डिपॉजिट्स आ गए हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है और अगर आप मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, किक मारते रहते हैं, तो आप किक मार रहे हैं तो पेट्रोल तो इंजन के अंदर जाता रहता है कंबशन चैंबर में, लेकिन पेट्रोल जल नहीं पाता क्योंकि स्पार्क प्लग उसे जला नहीं पा रहा है। तो क्या होता है, पेट्रोल अंदर ही अंदर भरता जाता है कंबशन चैंबर के अंदर और वो धीरे धीरे कैटलिटिक कन्वर्टर और एग्जॉस्ट के थ्रू जाता रहता है। हाँ, मुझे आपका एक आंसर देना था कि अगर स्पार्क प्लग स्पार्क कम प्रोड्यूस कर रहा है तो पेट्रोल भी कम जलेगा और पेट्रोल कम जलेगा तो आपकी मोटरसाइकिल ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उल्टा फ्यूल जो एफिशिएंसी है वो और कम हो जाएगी, आपको जो मोटरसाइकिल है वो उल्टा कम माइलेज देने लगेगी। क्यों देने लगेगी मैं आपको बताता हूं। जब इंजन के अंदर फ्यूल जाता है तो इंजन को उस फ्यूल को पूरी तरीके से जब जलेगा, जब फ्यूल पूरी तरीके से जलता है तो इंजन में कम फ्यूल पे ज्यादा पावर प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर आपका स्पार्क प्लग खराब है और अगर इंजन के अंदर फ्यूल जा रहा है और वो पूरी तरीके से नहीं जल पा रहा, तो इंजन को और ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वहां पर अनबर्न्ड फ्यूल रह जाएगा। अनबर्न्ड फ्यूल यानी कि आपका फ्यूल वेस्ट हो रहा है, वहां पर आपका फ्यूल की पूरा जो पोटेंशियल है आपके फ्यूल का वो नहीं निकल पा रहा है और फ्यूल जो है वो कार्बन डिपॉजिट्स के फॉर्म में वेस्ट हो रहा है या फिर पॉइजनस गैसेस जो है उसके फॉर्म में वेस्ट हो रहा है आपका, लेकिन पूरी तरीके से फ्यूल जल ही नहीं पा रहा है, लेकिन इंजन को उसी वजह से ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। और आपने ये बात देखी होगी कि जब स्पार्क प्लग खराब होने लगता है तो मोटरसाइकिल में स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम आने लगती हैं जिनके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। और हाँ, बहुत से लोग ये भी पूछेंगे कि स्पार्क प्लग चेंज कब कराना चाहिए। अभी एकदम लोगों को ध्यान आएगा कि हाँ, स्पार्क प्लग नाम की भी कोई चीज होती है मोटरसाइकिल में, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूं कि 10,000 से 12,000 किलोमीटर का कंपनी जो है इंटरवल देती है। अब हर ब्रांड का अलग अलग होता है, लेकिन 90% जितने ब्रांड्स हैं वो 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक का स्पार्क प्लग इंटरवल देते हैं। हाँ, अगर आप इरिडियम स्पार्क प्लग डालते हैं तो वो स्पार्क प्लग की जो लिमिट होती है 1,00,000 किलोमीटर तक की रहती है, लेकिन वो मतलब आप ये समझ सकते हैं 10 गुना महंगा आता है एक कॉपर स्पार्क प्लग से। अब ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो आपको बताएंगे कि आपकी मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग खराब हो गया है। तो सबसे पहला सिम्टम जो है वो हार्ड स्टार्टिंग का है। जब आप इंजन स्टार्ट करेंगे तो बहुत मुश्किल से स्टार्ट होगा। लोग बहुत से मैसेज करते हैं मुझे कि एक किक में स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी, 10-15 किक मारो तब जाके जो इंजन है वो स्टार्ट होता है, एक सेल्फ में स्टार्ट नहीं हो रही, 10-15 सेल्फ मारो तब इंजन स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग की आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम आपको आएगी कि आरपीएम अनस्टेबल रहेगा। गाड़ी अगर आपने स्टार्ट कर भी दी और अगर आसानी से स्टार्ट हो भी गई तो सबसे पहली चीज फ्यूल कंजप्शन भी ज्यादा रहेगा, और अगर स्टार्ट हो गई तो उसमें आइडलिंग जो है वो रफ हो जाएगी, यानी कि इंजन जो है वो आरपीएम एक कांस्टेंट आरपीएम पर नहीं रह पाएगा। कभी इंजन बंद हो जाएगा, कभी आरपीएम आप कितना ही बढ़ा लेंगे तो आरपीएम एक स्टेबल नहीं रह पाएगा, स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी और आरपीएम
आरपीएम जो है वो नीडल आपकी डांस करेगी, मतलब उसको ये बोलते हैं डांसिंग आरपीएम। तो डांसिंग नीडल का यही जो आपको पता चलेगा कि उससे स्पार्क प्लग खराब हो गया है। तीसरी चीज जो आपको बताएगी आपकी मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग खराब हो गया है वो है कि आपकी मोटरसाइकिल पावर लॉस करने लगेगी, यानी कि पावर, मैंने आपको बताई कि जब फ्यूल आ तो रहा है आपके इंजन में लेकिन जब सही तरीके से जल नहीं पा रहा तो पूरी तरीके से नहीं जल पाएगा, तो वो इंजन में सही पावर नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब इंजन में फ्यूल सही से नहीं जलेगा और अनबर्न, आपका फ्यूल आ इंजन में अच्छा खासा रहा है लेकिन वेस्ट ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो पूरी तरीके से जल नहीं पा रहा, तो उस वजह से क्या होगा कि आपकी जो पावर है इंजन की वो कम हो जाएगी, एक्सेलरेशन बहुत कम हो जाएगा, इंजन स्ट्रेस्ड फील होने लगेगा, ऐसा लगेगा कि हम रेव कर रहे हैं इंजन तो इससे इंजन खराब हो रहा है या इंजन आवाज ज्यादा करेगा, भागेगा कम, तो इससे एक्सेलरेशन और पिकअप में बहुत ड्रास्टिक ड्रॉप आएगा। अगली चीज जो बहुत आसानी से आपको बता देगी कि स्पार्क प्लग की प्रॉब्लम है वो है इंजन मिसफायर करने लगेगा। इंजन में आपके जैसे जर्क्स आते हैं, झटके आते हैं, जैसे कभी पेट्रोल खत्म हो जाता है उस टाइप के जर्क्स कभी कभी आ जाएंगे एक दो बार में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो या तो आपकी मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर गंदा है, बहुत सी चीजें और भी होती हैं लेकिन अभी हम सिर्फ स्पार्क प्लग की बात कर रहे हैं तो हम स्पार्क प्लग की ही बात करेंगे, तो वो चीज उस वजह से क्या होता है कि इंजन नॉकिंग भी होने लगती है। मिस फायरिंग का मैं आपको बता चुका हूं। अगली चीज है इंजन नॉकिंग। इंजन नॉकिंग में क्या होता है, पेट्रोल पूरा कंबशन होने से पहले ही जल जाता है तो उससे पिस्टन का जो पेस है वो खराब हो जाता है ऊपर आने का, और वो जो स्ट्रोक खराब होता है उस वजह से इंजन डैमेज हो जाता है। और अगर आपके इंजन में बहुत नॉकिंग हो ही जा रही है बार बार, आपको नॉकिंग पता चल जाएगी जब इंजन थोड़ी ज्यादा आवाज करने लगेगा, और अगर आप उसी तरीके से इंजन को चला रहे हैं बार बार तो नॉकिंग से क्या होता है क्रैंक बेयरिंग्स डैमेज हो जाते हैं और काफी चीजें पिस्टन रिंग्स पिस्टन भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो कोशिश करिए कि स्पार्क प्लग एक बेसिक सी चीज है, सस्ती आती है, आप उसको इजिली इंजन में डाल लें तो आपका माइलेज भी अच्छा हो जाएगा और साथ ही राइड क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। अगली चीज जो आपको बताइए कि आपकी मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग जवाब दे रहा है वो है कि आपकी मोटरसाइकिल की स्मूथनेस कम हो जाएगी, इंजन वाइब्रेट ज्यादा करने लगेगा, और वाइब्रेट इंजन जब भी करता है जब फ्यूल इंजन के अंदर ज्यादा आ रहा है लेकिन वो जल नहीं पा रहा पूरी तरीके से और सही तरीके से सही टाइमिंग पर पूरी तरीके से फ्यूल नहीं जल पा रहा और कार्बन बहुत ज्यादा जम रहा है, तो इस वजह से क्या होगा कि आपकी जो मोटरसाइकिल है वो वाइब्रेट ज्यादा करने लगेगी। जब आप एक्सेलरेट करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि इंजन आवाज ज्यादा कर रहा है, वाइब्रेट ज्यादा कर रहा है, स्ट्रेस बहुत पड़ रहा है इंजन पर लेकिन इंजन उतनी पावर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो यही थे पूरे सिम्टम्स कि अगर आपकी मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग खराब हो गया है तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आगे एक वीडियो बनाऊं कि एयर फिल्टर खराब है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता दीजिएगा, और कोई आपकी वीडियो की डिमांड हो तो वो भी नीचे बता दीजिएगा। नॉलेज देने में मैं कभी नहीं झिझकता, आपको बिल्कुल दे दूंगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।